नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एकेबी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सेरा नरसिम्हा रेड्डी और वार के 14 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे सुपरस्टार अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म लक्ष्मी बम से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें फिल्म सेरा नरसिम्हा रेड्डी के 14 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो मेगा स्टार चिरंजीवी और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की फिल्म सेरा नरसिम्हा रेड्डी, जिसे इंडिया में रिलीज किया गया था तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नाड़ा, यानी कि 5 भाषाओं में। दोस्तों फिल्म रिलीज हुई थी 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पे और फिल्म ने आज बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट किए हैं 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन। अगर बात करें दोस्तों फिल्म के अब तक के टोटल इंडिया नेट कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने इंडिया में अपने पहले दिन 5 भाषाओं से कलेक्शन किया था 62 करोड़ रुपए का। वही फिल्म ने अपने शुरुआती 1 हफ्ते में यानी 9 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस से कमाई कर ली थी 176 करोड़ की। वही दोस्तों फिल्म के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन काफी ड्रॉप हुए थे और फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 10वें दिन कमाए थे 4 करोड़ 50 लाख रुपए, 11वें दिन 5 करोड़ 50 लाख रुपए, 12वें दिन 6 करोड़ 30 लाख रुपए और 13वें दिन 4 करोड़ 50 लाख रुपए। बात करें 14वें दिन की, तो दोस्तों फिल्म 14वें दिन बॉक्स ऑफिस पर सभी भाषाओं में नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए का। इसी के साथ दोस्तों सेरा नरसिम्हा रेड्डी का 14 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 199 करोड़ रुपए। वहीं इंडिया का ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 232 करोड़ रुपए और फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से अभी तक कमाया है 47 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म सेरा नरसिम्हा रेड्डी का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन अभी तक हो चुका है 279 करोड़ रुपए का। वही दोस्तों बात करें वार फिल्म के बारे में, तो वार फिल्म जिसे डायरेक्ट किया था सिद्धार्थ आनंद ने और फिल्म में नजर आए थे सुपरस्टार ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ। दोस्तों ये फिल्म भी 2 अक्टूबर को ही रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने भी आज बॉक्स ऑफिस पर 14 दिन पूरे कर लिए। अगर बात करें वार के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों वार फिल्म भी इंडिया में 3 भाषाओं में रिलीज हुई है जिसमें शामिल है हिंदी, तमिल और तेलुगु। बात करें दोस्तों फिल्म के टोटल कलेक्शन के, तो फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन इंडियन मार्केट में नेट कलेक्शन किया था 53 करोड़ 35 लाख रुपए का। वही दोस्तों फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में यानी शुरुआती 9 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस से कमाए थे 238 करोड़ रुपए। वही दोस्तों फिल्म के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन भी काफी स्ट्रॉन्ग रहे और फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 3 भाषाओं में 10वें दिन कमाए थे 7 करोड़ 60 लाख रुपए, 11वें दिन कमाए थे 11 करोड़ 80 लाख रुपए, 12वें दिन 13 करोड़ 80 लाख रुपए और 13वें दिन 6 करोड़ रुपए और 14वें दिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमा रही है लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों वार फिल्म का 14 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 283 करोड़ रुपए का। वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 331 करोड़ रुपए। वही दोस्तों फिल्म का ओवरसीज का अब तक का टोटल ग्रोस कलेक्शन आया है 80 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों वार फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 3 भाषाओं में 411 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित रही है। वही दोस्तों बात करें सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बम के बारे में, तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस साल अक्षय कुमार की 2 फिल्में आई है जिसमें थी केसरी मिशन मंगल। वही इस साल दिवाली पे उनकी फिल्म आने वाली है जिसका नाम है हाउसफुल 4 और वही क्रिसमस पे इस साल उनकी फिल्म आएगी जिसका नाम है गुड न्यूज़। लेकिन दोस्तों अक्षय कुमार ने अब अगले साल के जितने भी बड़े त्यौहार हैं सब बुक कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें अगले साल यानी कि 2020 में ईद हो, दिवाली हो या क्रिसमस हो, सभी बड़े त्यौहार अक्षय कुमार की फिल्में आएगी। आपको बता दूं दोस्तों अगले साल दिवाली के मौके पर अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज होगी पृथ्वीराज चौहान, वही क्रिसमस के मौके पर उनकी फिल्म रिलीज होगी बच्चन पांडे। लेकिन दोस्तों कुछ अफवाहें उड़ रही थी कि उनके अगले साल ईद पे एक फिल्म आएगी जिसका नाम है लक्ष्मी बॉम्ब। लेकिन दोस्तों कई लोगों को लग रहा था कि सलमान खान की अगली फिल्म अनाउंस होने के बाद में शायद लक्ष्मी बॉम्ब की रिलीज डेट आगे या पीछे हो सकती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर एक बड़ी अपडेट कल ये आई है कि फिल्म के जो मेकर से यानी कि फॉक्स स्टार स्टूडियो, उन्होंने ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दिया है कि अगले साल ईद के मौके पर अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज होगी। जी हां दोस्तों लक्ष्मी बॉम्ब के रिलीज डेट में कोई चेंजेस नहीं हुए और लक्ष्मी बॉम्ब अब ईद पे ही रिलीज होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें अगले साल ईद पर ही सलमान खान की एक फिल्म रिलीज होगी जिसका नाम है शायद राधे। तो अब देखना है दोस्तों सलमान खान और अक्षय कुमार की दोनों फिल्में एक दिन रिलीज होती है तो कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई करती है। वैसे
दोस्तों, आपको क्या लगता है अगले ईद पे यानी 2020 में सलमान खान और अक्षय कुमार के इस बड़े मुकाबले में कौन से सुपरस्टार की फिल्म ज़्यादा कमाई करेगी? अपने फेवरेट एक्टर का नाम हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के डेली अपडेट के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।